मासूम, मैं मासूम, ये लोग मुझे ऐसे बेवकूफ बनाते रहे। तुम तो इतने मासूम हो कि एम से मासूम नहीं हो तुम। है तुम क्या थैंक यू कह रहे हो लोगों को? मैं कह रहा हूँ कि मेरी बात हो रही है। मैं तो सार्कास्टिकली कह रहा हूँ ये बात। भाई कहाँ से मासूम, मासूम कैसे मासूम है? हमें क्या पता कैसे मासूम है, बाकी लोगों को पता होगा। मैं कह रहा हूँ मेरा बासित तो मासूम है, बासित चीता भी, लेकिन उसका प्लेयर कहा है तीसरा? सर उसको शर्ट का थोड़ा सा वो है, साइज नहीं आ रहा। शर्ट नहीं पहनी उसने, वो थोड़ा सा ज्यादा मोटा है। मोटा? अरे भाई ये दुनिया में आज क्या हो रहा है यहाँ पर, मतलब के बताओ। यहाँ से वहाँ, वालेकुम अस्सलाम, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, ये कैसे हो रहा है सर? वो क्या कर रहे हो? पता नहीं क्या हो रहा है। क्या उनको क्या हुआ, तुम बताओ। तुम ही आगे खुश हो? सर मैं खुश तो हूँ। तुम्हें लगता है कि तुम ही आगे जीत जाओगे इंशाल्लाह? अब ये टीम हुई है मुकम्मल। बासित अब तुम्हारे पास कोई एक्सक्यूज नहीं होनी चाहिए कि दानिश भाई मेरे पास ये वाला प्लेयर और मैं इसलिए नहीं खेल पा रहा कि दूसरा प्लेयर और तीसरा प्लेयर। अब मैंने एक प्लेयर को यहाँ बुला के, एक और शानदार प्लेयर को जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया था पिछले सीजन के अंदर। मुझे लगता था कि मीर जंगी को यहाँ से नहीं जाना चाहिए था, लेकिन मेरे पास इतने सारे प्लेयर हो गए थे कि मुझे उसको वापस भेजना पड़ा था, लेकिन उस प्लेयर को मैंने फिर से वापस बुलाया है मीर जंगी की सूरत में चैंपियंस का हिस्सा बनाने। हाँ भाई सर, अनस भी मतलब जल्दी सीख रहा था, लेकिन हाँ लाजिम सी बात है थोड़ा टाइम। मसला ये था कि अनस सीख तो बहुत जल्दी रहा था, पोटेंशियल भी था उस बच्चे के अंदर, जब मैंने ऑडिशन किया था मुझे नजर आया था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि बाकी तीन टीम्स ने चलाकी की और पुराने प्लेयर्स खरीदे। अगर सारी पुराने प्लेयर्स ही खरीदते रहेंगे तो इस तरह तो फिर नए बच्चे जो उनको चांस ही मिलेगा, लेकिन इसका हल मैंने सीजन के एंड में ढूंढ लेना है तुम लोगों के लिए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं दानिश तैमूर। बोल एंटरटेनमेंट की तमाम वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिएगा।